गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन में फ़ोन को वाइब्रेट कैसे कर पाएंगे और कैसे अपने फ़ोन को वाइब्रेट कर सकते हैं अपने आईटेल P55 प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन को वाइब्रेट आप कैसे कर सकते हैं अपने आईटेल फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को वाइब्रेट कैसे कर सकते हैं अपने आईटेल फ़ोन को। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को वाइब्रेट कैसे करें और कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि आपके आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। इसके ज़रिए फ़ोन को आप वाइब्रेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन को। वाइब्रेट भी आप कर सकते हैं, जैसे इसमें से आपको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशंस पे, जिस पे जाकर फ़ोन में आप फ़ोन को वाइब्रेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को जैसे आप करना चाहते हैं। जैसे हैप्टिक वाइब्रेशन ऑन कर दिया है तो आपका जो हैप्टिक वाइब्रेशन है ऑन हो जाएगा, जिससे आपके हैप्टिक वाइब्रेशंस में वाइब्रेशन शो करता है, उसका यूज़ कर पाएंगे। और साथ में ही देख सकते हैं कि जैसे अगर आपके फ़ोन में ऑप्शंस आता है, जैसे ऑप्शंस आता है साउंड ऑफ वाइब्रेशन, जहाँ से इसको इस तरीके से वाइब्रेशन को ऑन करके आपका वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाएगा, उसमें वाइब्रेशन शो करेगा। तो इस तरीके से वाइब्रेशंस भी आप शो कर सकते हैं और कर पाएंगे, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही देख सकते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे वाइब्रेट फॉर कॉलिंग, तो इसको भी ऑन करके कॉलिंग्स में ही वाइब्रेशन शो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।